बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होगे। अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग तो शुरू हो जी, मैं तुम्हें खुशखबरी दे देवा कि अज रमज़ान का पहला रोज़ा वा माशाल्लाह अलहमदुल्ला असी सारे ने सारे घर ने रखा वा, सिर्फ बच्चों तो अलावा। आमना देखो इधर बैठी, आमना आपने रोज़ा रखा कितने रखे रोज़ा तू? आमना ने भी रोज़ा रखा, वो उधर कितने दूर जा के रख के आई है। अच्छा तू भी रोज़ा रखा? अच्छा आ गई जी। अच्छा तू कितने रोज़ा रखा? ऐसा लोग ना राती कार्टून वगैरह वेख दी, काफ़ी लेट हो गया तो इस वे तो ना उठी नहीं सुबह नूं, तो उन्होंने किसी ने भी नहीं रोज़ा रखा, यानी कि वह सुतियाँ रह गई। वैसे बच्चों को कहते आस्ता आस्ता रूटीन बनानी चाहिए, फिर उन्होंने रूटीन ना इदा पक्की हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता आने वाले वक्त के ना वो गिज जाते हैं रोज़े रखना। ना लो जी हूँ असं चले हैं रमज़ान की शॉपिंग करने वास्ते। तुम्हें पता कि पहला रोज़ा अचानक ही रोज़ा हो गया वा, वैसे तो यानी कि रोज़े के ना कह रहे थे कल रोज़ा होना वा, यानी कि 10 बजे तक ना असं इंतजार कर रहे। 10 बजे मेरा ख्याल ऐलान होया वा हुकूमत वालों कि सुबह में रोज़ा होएगा, तो इस वे तो ना शॉपिंग नहीं मैं कल की। रोज़ की शॉपिंग जी होंगी तुम्हें पता कि जामे शीरी बेसन वगैरह पकौड़िया वास्ते इदा दी चीज़ा होंगे ना, ये वास्ते अभी शॉपिंग करने वास्ते हम दुकान पर चले हैं, तो जाने हैं फिर आके तुम दिखाने कि चीज़ों की शॉपिंग की है। अलहमदुल्ला जी चीज़ा लैनिया से रमज़ान वास्ते मैं ले लिया तकरीबन 10 दिन इन्ह के नाल ना चीज़ों के लंघ जाएंगे। बहुत ज़्यादा रेट से जी दुकान पर, बहुत ज़्यादा रश भी सी, इस करके ना उत्थे वीडियो नहीं शूट हो सकी, रेट बहुत ज़्यादा से चीज़ों के। तो हूँ उपर जाने जाके तुम दिखाने अपने नीचे किराएदार रेंदे, तुम पता उपर असी रें उपर निकलते हैं जाने हैं, तो फिर जाके तुम उपर दिखाने कि चीज़ा मैं परचेज की और किन्ने दियाँ लिया वा। अलहमदुल्ला जी रमज़ान का समान लैके असं आ गए घर, तो वेखन लगा मैं हूँ तुम भी दिखाने कि चीज़ा लैके आए हैं। लो जी सब तो पहले लैके आए हैं जामे शीरी, एक नंबर से ना मैं तुम दिखाया भी वीडियो के ना पहले भी दिखाया थी, इनू उबाल लईदा वा विच, मिठा वगैरह पा लईदा और पानी पा लईदा। ये जूस आप असी घर दे विच तैयार कर सकते मैंगो का, ऐसी फस्ट टाइम बनावांगे इंशाल्लाह। ऐ उत्ते सारा तरीका कार ना लिखा होया है। उस तो बाद लैके आए जी रमज़ान की जी खास चीज़ होंगी होंगे खजूर, खजूर लैके आए। उस तो बाद जी अचार सुबह वास्ते, सुबह ना सालन वगैरह में दिल नहीं करता, पराठिया के नाल अचार इंशाल्लाह इस्तेमाल होएगा नाल दही, उसके वास्ते अचार लैके आए। उस तो बाद है जी बेसन, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने तू रखे रखा? अलहमदुल्ला जी रमज़ान की जी शॉपिंग है तुम्हें मैं चैक भी करवा दी यार, थोड़ी जी मुक्सर जी चीज़ा लाइया। वैसे सारिया चीज़ा ना साढ़े को घर च मौजूद होंगे वा, दाल वगैरह घ्यो वगैरह उन्होंने जरूरत नहीं होंगी चीनी की। एड़िया चीज़ा खास खास है ये दो चार लै लिया 10-15 दिन तक इंशाला फिर दोबारा ले लवेंगे। तो एक चीज़ मैं तुम दसनी थी कि सारिया चीज़ा जिन्या भी हैं एड़िया अद्धा किलो यानी कि खजूर आ और अद्धा किलो और किलो के करीब है जरा वा तकरीबन 1 किलो के करीब है जरा अद्धा किलो है अपना अचार आ और एक जामे शीरी आ और उस बाद 1 किलो तकरीबन बेसन आ। यह तकरीबन बिल जरा 1200 के करीब बनया वा, तुम भी दस्यो कि इन्ना बिल वैसे बनता है वा, काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के अंदर डबल रेट तकरीबन हो रहे हैं चीज़ों के ना। दोस्तों अज असी बहुत ज़्यादा जरूरी काम चले हैं, वैसे तो असी जाते ही रही वा, तो अज खास मैं तुहाडे वास्ते कहूँगा कि तुसी भी ये जो जरूरी काम है ना हर रोज़ तकरीबन करया करो, अगर नहीं तो हफ्ते बाद तो लाजमी करया करो ना, किहड़ा जरूरी काम उ जाके तुहानू दस दें। आइयो जाने बस अज साडी दादी अम्मा नूं ना तकरीबन 2-3 साल हो गए फौत होया नूं, तो उन्हां दी कबर ते मैं काफ़ी मर्तबागे भी आया वा, आउंदे जांदे रहीदा साडे नज़दीक ही। अज मैं फिर दोबारा आया वा, अबू जी मेरे नाल फातिहा कहण वास्ते आए हैं, तो फादिया कह के इंशाल्लाह अगे निकलते हैं क्योंकि वड्डियां नूं याद रखना चाहिए वा। वैसे तो एक दिन सारिया ने ये ही आना वा, लेकिन अपने वड्डियां वास्ते खास आके दुआ करनी चाहिए है, तो असं अज आए अबू जी भी आए हैं मम्मी आए हैं, तो दुआ करते हैं अपनी दादी अम्मा वास्ते। रिवर्स आ वह जगह वा जिथे बंदा ना चाहदा होया भी ना इत्थे आना ही पैना एक दिन, यानी कि ना बंदे नूं ये इस जगह पर ना आग दफन होना ही है। इस वे तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए, अगर तुम कब्रस्तान जाने ना तो थोड़ा टाइम उत्थे गुजारिया करो, वो सानू एहसास होएगा कि आने वाले वक्त के इत्थे असी आना ही आना वा। विवज असी जी दुनिया के अंदर अपने कोठियां महल मकान बना के बैठे, असल वो मकान नहीं साडा है, साडा मकान असल आ वा एंड साडा आ वा। अगर असी पहचान लीए ना तो असी काफ़ी ज़्यादा ना दुनिया के उपर लोगों के उपर रहम दिल हो जाइए और गुनाह करने छड़ दीए। विवज है जरा रोड है ना सामने, अगर चल जाइए ना तो समनाबाद वाली साइड में जाता वा, यानी कि साढ़े घर आने, ठीक है। इतों सीधा यानी कि सड़की आ गए ना उत्थे तक, यानी कि है ना कलोनी बनी हुई है, इस कलोनी के यानी कि कारनर के उपर है कब्रस्तान। अबू जी पानी की बाल्टी भर के लिए आए, अगर उपर थोड़ा अबू कहते छिणक देने, उस तो बाद फिर निकलते हैं। अबू जी पानी छिणक रहे हो, देखो
देखो पानी वगैरह ना छिणक दिता ये उत्ते अबू जी ने, वो सामने नलका लगा वा उतो बाल्टी भर के ना पानी छिणक दिता। बस एक मैं थोड़े अगे ना गल शेयर करनी सी, जिहड़ा भी बंदा अपनी तमन्ना लैके पूरी जिंदगी दे विच रहिंदा है ना, किसी भी तमन्ना के अंदर अल्लाह ताला उहदी तमन्ना जरूर पूरी करदे। मेरी दादी अम्मा की थोड़ी गल है मैं तुहानूं दस दिंदा वा, वैसे कब्रस्तान के अंदर आके कहिंदे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए फजूल, लेकिन मैं ना तुहानूं एक बड़ी अच्छी जिहड़ी गल है ना मैं कोशिश करांगा कि तुहानूं दस दित्ती जाए, उहदे नाल हो सकदा तुहानूं काफ़ी ज़्यादा फायदा होए। मेरी दादी अम्मा ना सारी जिंदगी यही कहिंदियां रहियां कि मेरे ना कब्र अल्लाह ताला उस जगह पर बनावे जिथे ढोल ढमके की आवाज़ ना आए, समझ गए ना तुसीं गल, यानी कि कोई जिदा कब्रस्तान के दरबार वगैरह बने होंगे तो ढोल ढमका यानी कि ना कुटना शुरू कर देंगे, आके कोई इवेंट आता वा तो फिर ढोल ढमका होंगे। उन्होंने ना यही कोशिश से उन्होंने बार बार गाह वारी यानी कि अल्लाह ताला के अगे दुआ की कि या अल्लाह मेरी ढोल ढमके वाली जगह पर ना आवाज़ जी मैनू ना आवे, यानी कि ना कबर के अंदर भी उन्होंने कोशिश से बहुत अच्छी सोच से जी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। वेखो ना इतने कोई इदा का यानी कि सीन नहीं है, तो मजेदारी की गल है 24 घंटे नज़दीक ही मस्जिद है जिदा तुम देख सकते हैं, देखो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली है, और यानी कि ना देख सकते हैं कि अगर आखिरी आरामगाह के अंदर भी बंदा अपने आप को सुकून चाहता है तो ढोल तो या म्यूजिक तो दूर रहना चाहिए। दुआ कर दी अपनी दादी अम्मा वास्ते, अबू जी आ रहे हैं देखो सामने, इतना ना काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है जो उपर आई है ना, अबू जी आ गए तो असं हम निकलन लगे। चलो अलहमदुल्ला जी रोज़े की इफ्तारी की तैयारी हो रही है, देखो असं चिप्स कढ़ रहे पे हैं, छिकू मैं लैके आया से बाजार गया से ना, छिकू लै आया कि चिप्स वगैरह पकौड़े वगैरह के ना अच्छे तरीके तले जाते हैं, छिकू मैं लैके आ गया से, तो बाकी चिप्स असं बना रहे हैं, फस्ट रोज़ा वा अज्ज, ये अंदर असं चिप्स निकाल लवेंगे, उस तो बाद जी इन्नी क चिप्स ना बकाया पई हुई है, यह पकौड़िया का समान है, इंशाला बाद पकौड़े कढ़ते हैं तो फिर रोज़े की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट करके, इंशाला रोज़ा खोलते हैं फिर मज़ा आएगा। यह देखो जी अच्छा नहीं इधर है ਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰੋ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤੀ ਅੱਛਾ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। अलहमदुल्ला जी रोज़े की तैयारी हो रही है खोलन की, तो ए चिप्स निकल आई है देखो ना नरम नरम माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अलहमदुल्ला, वैसे भी रोज़ा लगा हुए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी है, यह देखो ना नरम नरम लाइट लाइट मैंने इदा की अच्छी लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जी पकई जाती है ना वो ज़्यादा नहीं, इदा नरम नरम हो थोड़ी तो अच्छी लगती बेहतरीन खाने के। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला चिप्स तो बाद असं पकौड़िया का पहला पूर पा लिया वा, पकौड़े आ देखो इन्ने ज़्यादा हले पे हुए हैं, यानी दो एक दो पूर होर निकल आएंगे, उस दे नाल नाल ना असं जग दे विच चीनी भी घोल रहे हैं, देखो ठीक हो गया जामी शीरी वास्ते। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला थले बच्चे तैयारी कर रहे हैं यानी कि अफतारी की, तो मैं उपर आया थोड़ा ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने लगा वा, वैसे सूर्य खत्म हो चुके वा सूर्य गरूब हो चुके वा, लेकिन मैं देख रहा कि फिर भी 5-7 मिनट है हले अफतारी के ना, तो मैं उपर आया थोड़ा चैक कर रहा माहौल माहौल तो ही भी थोड़ा चैक करो माशाल्लाह अलहमदुल्ला माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, और 5-7 मिनट रह गए तुम्हें पता पहला रोज़ा होवे तो अफतारी हो बहुत ज़्यादा खुशी होंगी इस चीज़ में, आप फातिमा मैंने उपर ना बुलाने वास्ते आई है। हाँ जी दसो कह रही है मैंगो वाला जूस बना ली, असल जना जामे शीरी या मैंगो वाला जूस एक ही चीज़ मैं क्या डिसाइड करते हैं एक ही चीज़ लेने हैं, क्योंकि हले थोड़ी थोड़ी ना सर्दी वाला मौसम आ फिर मिठे ज़्यादा दे नाल ना मसले बनने शुरू हो जाते, तो माणो कह रही है हम देखते हैं जाके कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, माणो जामे शीरी कल ही पी लाँगे आप जामे शीरी मुन्ना आ तू तो रोज़ा तोड़ लिया पकड़ी गई ऐसा कह रही थी कि मैं सुबह तक कुछ भी नहीं खादा, तो मैं ना रोज़ा तो नाल ही इफ्तार करना उन्हें घर भी देखो हाय हाय ऐसा बेचारी ना पकौड़े वेख के रह नहीं सकी, तो पकौड़े चेक करिए नहीं मुन्ना इधर तेरा रोज़ा खत्म हो गया, इदा नहीं रोज़ा रहा हों 5 मिनट रह गया वेखो सूरज खत्म हो गया सूरज नहीं होना है मेरा मुन्ना 5 मिनट ठहर जाता है, चलो सही है सुबह नूं सारा रोज़ा रखूंगी ना, फिर बच्चे ना चीज़ा वेख के रह नहीं सकते होंगे, समझ रहे होंगे कि असं जल्दी जल्दी ना रोज़ा अफतार कर लिए जिहड़ा भी टाइम, तो अलहमदुल्ला पकौड़े भी निकल आया देखो एक पूर माशाल्लाह बड़े देखने ना लजीज पकौड़े लग रहे माशाल्लाह खूबसूरत अलहमदुल्ला। पकौड़े और चिप्स के नाल जी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी ना कैचअप होंगी, कैचअप भी अलहमदुल्ला ले ली है मैं, तो कैचअप नाल लगा के पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा, चलो ले लीए इंशाल्लाह रोज़ा खुलने 2-3 मिनट रह गए तो कैचअप इतने रखते हैं और दुआ दू मंग लें, बच्चे और अबू जी दुआ मंग रहे हैं बैठे हुए हैं,
दो मिनट रह गए रोजे खुलन दे विच ते अबू जी दुआ मंग रहे मैं भी दुआ मंग लेने एक दफ़ा देख लें कि केड़ी केड़ी चीज़ पई हुई जामे शेरी भी तुम चेक करवाने जामे शेरी बन गया होया कि नहीं यह है पकौड़े उस तो बाद जी ए चिप्स वा और खजूर वा ठीक है और उस तो बाद जी जामे शेरी भी चेक कर लें अच्छा चुकी ढक्कन है जामे शेरी जी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह जी रोज़ा खुल गया वा रोज़ा असं इफ्तार कर लगे खजूर के नाल कहते करना चाहिए वा अच्छा कर लो माने भी खो रही रोज़ा अलहमदुल्ला जी रोज़ा अफतार कर लिया मस्जिद जा रहे नमाज पढ़ना मगरब की जल्दी जल्दी रलते हैं क्योंकि लेट हो गए काफ़ी रोज़ा खोलद ना थोड़ी लेट हो गई जल्दी जल्दी जाने तो जमात ना रलते अलहमदुल्ला जी मस्जिद पहुँच गए बड़ी स्पीड के नाल आए हैं यह देखो 17 ना हाले तकर बज रही हैं देखो सफा की दुरुस्तगी हो रही अभी पहुँच गए अज का ब्लॉग इतने तक ही उम्मीद है तुम्हें अज का ब्लॉग पसंद आया होगा अरे ब्लॉग तुम पसंद करते हैं अपने फैमिली मैंबर अगर अपने दोस्त बाप अगर ब्लॉग शेयर जरूर कर दिया करो कल के ब्लॉग तक सन ज्यादा दियो अल्लाह हाफिज बाय बाय ला इलाहा इल्लल्लाह।